गई है। यस गुजरात में सीसो ने शू कहवाय हेलो यूट्यूब जनता, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपको लेके आए हैं कनेवाल लेक, जो कि गुजरात का सबसे बड़ा लेक है और माना जाता है कि ये जगह पे इतने सारे माइग्रेटरी बर्ड्स और दूसरे भी बर्ड्स आते हैं कि ये जगह बर्ड वॉचर्स के लिए और फोटोग्राफर्स के लिए एक जन्नत के समान है। ये लेक खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में आनंद के पास सिचुएटेड है और अगर आप अहमदाबाद से आ रहे हैं तो 90 किलोमीटर्स की दूरी पे है, जो कि आपको करीबन 2 घंटे लगेंगे यहाँ पे पहुँचने के लिए। और रास्ता बिल्कुल अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं हुई हमें यहाँ पे पहुँचने में। हम लोग पहुँच गए हैं कनेवाल लेक और हम यहाँ पे बोटिंग के लिए इंक्वायर करने जा रहे हैं क्या चार्जेस है वगैरह। और यहाँ पे सामने मतलब आइलैंड है, तो जहाँ पे हमें बोट लेके जाती है वहाँ पे आइलैंड में लोग भी रहते हैं। सुना है कि वो आइलैंड में सबसे लास्ट में, गुजरात में सबसे लास्ट में बिजली आई थी। तो ये है लेक। ये हिमांशु ये नेगोशिएट कर रहे हैं यहाँ पे और 50 रुपीज़ है। अच्छा, ये 50 रुपीज़ है यहाँ पे टू एंड फ्रो जर्नी के पर पर्सन। यहाँ पे लिखा हुआ है कनेवाल तड़ाव मा बोटिंग माटे माड़ो लालजी भाई, तो ये इनका नाम है और नंबर है यहाँ पे। और ये लेक के आसपास पूरा घना जंगल है जैसे कि आप देख सकते हैं। बहुत ही शांत जगह है, यहाँ पे गजीबो बना है, बैठ के आप नाश्ता कर सकते हैं, चाय की चुस्कियाँ ले सकते हैं। और अभी मुझे चाय को खाना पड़ेगा, अगर वो नाश्ता करिए तो उसको अभी लेके जाना है बोट में। और अभी बज रहे हैं शाम के 5 और हम लोग हमारी बोट का वेट कर रहे हैं। जैसे ही बोट आती है, जो आप मेरे पीछे ये जो आइलैंड देख रहे हैं हम वहाँ पे जाने वाले हैं और फिर वहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। बहुत ही पीसफुल जगह है, बहुत ही कम लोग हैं, तो आई थिंक ये कोविड के टाइम में अगर आपको कहीं पे घूमने का मन कर रहा है तो आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। सुबह बहुत सारे बर्ड्स होते हैं यहाँ पे आके हमें पता चला, स्पेशली विंटर्स में। तो चलिए हम चलते हैं बोट में, जैसे ही बोट आती है तब।
हमारी बोट आ गई है और अब हम जाने वाले हैं बोट में बैठने के लिए। और इतना खूबसूरत नज़ारा है, ये सारे पानी में जो प्लांट्स उगे हुए हैं, ये पूरे लेक को इतना खूबसूरत बना रहे हैं। और मैं भी जा रही हूँ अंदर। हाँ हाँ, तो ये हम बैठ गए हैं बोट में। हम ये आइलैंड पे पहुंच चुके हैं और बस अंदर जा रहे हैं हम लोग। और ये देखिए नज़ारा, ये यहाँ पे खेती की गई है, बहुत सारे खेत हैं आसपास। और वेदर बहुत ही ज्यादा अच्छा है आज। मालदार इनकम चापी उड़ा हूँ। सारे खेत है यहाँ पे, ये पूरा गांव। अरे वाह, यहाँ पे शाय की मतलब की चीज मिल गई है हमको। और अब मुझे लगता है कि मुझे शाय की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। केम छो? राम राम। और यहाँ पे मालधारी है। ये जगह मतलब आप सुबह से आ सकते हैं, सुबह से आप अपना खाना नाश्ता जो भी आपको खाना है या लाना है, आप आके आप एक फैमिली डे आउट प्लान कर सकते हैं इस जगह पे। बहुत ही मजा आएगा, आई एम टू श्योर अबाउट इट। और लोगों ने काफी कचरा किया हुआ है यहाँ पे, दिस इज नॉट अ गुड आइडिया। लोग खाना खाते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर खाना खा के अपना कचरा साथ में लेके जाना चाहिए, यहाँ पे नहीं फैलाना चाहिए। ये एक बहुत ही, ये बात जो है वो मुझे अच्छी नहीं लगती। यस ऑफ कोर्स। अब शाय जा रही है स्लाइड पे, और ये स्लाइड थोड़ी सी ज़्यादा रिस्की है बच्चों के लिए, तो मैं खड़ी हूँ यहाँ पे उसको पकड़ने के लिए। जब वो आएगी तब मुझे होल्ड करना पड़ेगा। वो अपनी पहली खिचड़ी गिर गई। चलो आ जाओ। मम्मा मन्ने पकड़ लो। ओके, आ जाओ नीचे। नहीं हूँ पकड़ी राखी, डोंट वरी। हैंग ऑन वेट। चल आई जाओ। स्विंग्स भी हैं बहुत सारे, तो अगर आपके साथ बच्चे हैं तो बच्चे तो बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं, और आपको उनके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ऑक्यूपाई होने वाले हैं बच्चे। और सीसो है, स्लाइड है, बहुत सारे पेड़ हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, आप सुबह से यहाँ पे आके मतलब कुछ खाना वाना या नाश्ता जो भी है वो आप लेके फिर यहाँ पे आ सकते हो, और पूरा दिन आप यहाँ पे
अच्छे से बिता सकते हो। इतनी शांति है यहाँ पे, कोई आवाज़ नहीं है। ये पूरा खनेवाल लेक आप देख सकते हो मेरे सामने है। बहुत सारे बर्ड्स ये ट्री पे बैठे हुए हैं। लेट मी शो यू। और ये शाय पीछे मेरे हैं। आगे यस गुजरात मा सीसो ने सु केवाय लालजी भाई जीवन भाई सोलंकी से हूँ कनेवाल टापू की अंदर रहूँ छू। अमारी अँ चौथी पेढ़ी चाले छे। अमे 90 वर्ष रहेवी छे तळावनी अंदर। जे आपणे आ तळाव कनेवाल तळाव रह्यू ते सौराष्ट्र लाइन में जे गुजरात में मोटामां मोटू तळाव आवेलू छे। सौराष्ट्र में आखा सौराष्ट्र में कनेवालनुं पाणी पूरू पाड़वामां आवे छे। 7 वर्षथी बोट लाव्यो छूँ अने बोटथी आ लोकोने टूरिस्टोने अंदर लई जाऊँ छूँ, लावूँ छूँ। अने मारी फेमिली अंदर छे ते 62 संख्या छे। અને રોજના કેટલા પર્યટકો આવે છે? રોજના તો નહીં પણ શનિ રવિ રેગ્યુલર હોય છે, તે 2-3 હજારનો ધંધો થઈ જાય છે પણ હર શનિ રવિ। હા, એ પક્ષીઓ ઘણા બધા પહેલા આવતા હતા, રંગી બેરંગી પક્ષીઓ આવતા હતા, પાણીના પક્ષીઓ આવતા હતા, બહાર કિનારે બેસે તેવા પક્ષીઓ આવતા, પણ ઘણા બધા લોકો મારી નાખે છે ને એટલા માટે વિદેશી પક્ષીઓ બંધ થઈ ગયા છે। અને આપણે અહીંયા રાત્રે આઇલેન્ડ પર રોકાવું હોય તો કોઈ સુવિધા છે? હા, થોડા દિવસમાં કરવાના, 7-8 દિવસમાં કાપડના ટેન્ટો લગાવવાના છીએ, તે કોઈ પણને રહેવું હોય તો રહેવા માટેની સુવિધા। થેન્ક યુ લાલજીભાઈ, અમને આટલી ઇન્ફોર્મેશન આપી તમે એના માટે। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें फीडबैक भी दीजिए। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट करके वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली आपको आंसर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारे फ्यूचर के नोटिफिकेशंस मिलते रहें वीडियोज़ के। So thank you so much for watching this video. Bye-bye.